हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को दिशाहीन बताया है। रविवार को कैथल के गांव करोड़ा में परिवर्तन रैली के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा लगातार कर्ज के जाल में फंस रहा है। हरियाणा सरकार की आबकारी नीति की आलोचना करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर दोबारा विचार करने की मांग की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के अपने ही बोझ से गिरने की भविष्यवाणी भी की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस समय हरियाणा कांग्रेस में कोई गुटबंदी नहीं है। इस अवसर पर इनेलो नेता कंवरपाल करोड़ा ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा भी की। कोई अब तक दिशाहीन सरकार है, कोई दिशा नहीं दिखाई किस तरफ करेंगे, कोई डायरेक्शन जिसको कहते हैं, और कोई ऐसा काम नहीं जो भी फैसले लिए हैं जनविरोधी के लिए। जैसे आपका हमने फैसला किया था डोलीदारों के, उसमें उन्होंने रंगा डालने की कोशिश की है। हम कह रहे हैं दान के घोटाले की जांच करो, वो नहीं करो। एक ही काम है कि कर्जे में डुबाने का हरियाणा काम किया है। 2 लाख करोड़ के करीब आज हरियाणा के ऊपर कर्जा है। आज जो बच्चा पैदा होगा हरियाणा में उसके ऊपर 80,000 करोड़ कर्ज लेके पैदा हो रहा है। उस तरफ कोई ध्यान नहीं, बल्कि जो बजट पेश किया है वो भी घाटे का बजट पेश किया है। और जिस प्रकार से घाटा बढ़ रहा है उस प्रकार से लगता है कि चाहे वो रेवेन्यू डेफिसिट हो चाहे फिस्कल डेफिसिट हो, जिस प्रकार से बढ़ रहा है तो हम डेट ट्रैप में पड़ने वाले हैं। देखिए, उन्होंने बड़ा ढंढोरा पीटा कि हमने इतने गांव में जो है ठेके नहीं खोलेंगे, और गांव को छोड़ दो आप तो घर घर ठेके खोलने का काम किया उन्होंने। ये गलत नीति है, इनको मैंने पहले भी कहा था तुरंत इनको वापस लेकर एक जनहित की आपका नीति बनानी चाहिए। नीति जिसका है तो उसको मिलना चाहिए। तो आप चाहते हो कि जी SBC को भी EBPC की तरह ज्वाइनिंग करवाई जाए? क्यों नहीं करवाई जाए? पहले ही तभी अगर उनकी सिलेक्शन हुई है तो कराना चाहिए। बिल्कुल, सरकार की जिम्मेवारी होती है। एक यस बैंक का है, अभी और क्यों बैंक आने वाला होगा, तो बड़ी कठिनाई का समय देश के सामने आने वाला। नहीं, आपके जो फसल की है पूरी पूरी खड़ी फसल मतलब बर्बाद हो गया किसानों का, मैं देखते आ रहा हूँ। तो आपके पर एकड़ का हिसाब नहीं जो कहते हैं, जितनी फसल खराब हुई है उसकी MSP के हिसाब से, पैदावार के हिसाब से कम शब्द मैंने बताया। ऐसी जब जो जिनकी विचारों की समानता नहीं है, ऐसी सरकारें जो डायरेक्शन सरकार होती है अपने वजन में खुद गिर जाया करती है। आज आप विपक्ष के नेता हो जी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है जी कि कांग्रेस के अंदर भी कई गुट हैं। कोई गुट आप नहीं। उसको आप कांग्रेस में कोई गुट नहीं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति के बारे में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।